वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ह्यूमन मैं हूं सीमा आप लोग के साथ मैं आज शेयर कर रही हूं कि आप लोगों के लिए एक्सटेंशन कितना जरूरी है जरूरी है या नहीं है मैंने क्या एक्सटेंशन अपने बालों में कराए हैं या मैंने नहीं कराए मुझे क्यों एक्सपीरियंस इन सब चीजों का मैं आप लोग के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं थ्री मंथ की और आप चाहें तो हमारे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट और सारे फीडबैक मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ ठीक है एक चीज और बता दू हमारे चैनल पर चल रहा है वन ईयर का हेयर ग्रोथ चैलेंज जो कि यूट्यूब पर अब तक का सबसे बिगेस्ट हेयर ग्रोथ चैलेंज है जहां पर मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ मंथली आपकी हेयर केयर रेमेडीज ठीक है और इनका एप्लीकेशन कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे सीमा ब्लॉग को जरूर से जरूर फॉलो कर फाइनली आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि दीदी हेयर एक्सटेंशन क्या जरूरी है कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए तो आप लोगों को मैं यहां पर बताऊंगी कि हेयर एक्सटेंशन को छोड़ दीजिए उसको मत कराइए आप बीस हजार तीस हजार रुपए अपने बालों पे खर्च करोगे आप बीस हजार रुपए खर्च करके आप अपने बालों को बहुत सुंदर बना सकते हो और वो परमानेंट आप लोग पहले ये क्लिप देखिए सो so गाइज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्लिप है यहाँ पर ह्यूमन हेयर के साथ में आपके आपके जो रियल बाल होते हैं उनके साथ में अटैच किया जाता है और इस टाइप सी माइक्रो रिंग के साथ में उसको पिन कर दिया जाता है जिससे कि आपके वो बाल फिक्स हो जाएं और वो निकले नहीं बट आपकी जब लेंथ इंक्रीज होती है तो ये फिर ढीले हो जाते हैं उनकी सिटिंग्स लेनी पड़ती है ठीक है तो फ़ेस टू फेस बात करते हैं सो so गाइज आप लोगों ने ये जो क्लिप थी हमारी ये क्लिप आपने देखी इस क्लिप को आपको देख करके क्या लगता है कि जब भी आप अपने बालों में कॉम करोगे जब भी हम अपने बालों को कॉम करते हैं तो हमेशा पार्टीशन करते हैं और हम ऊपर की लेंथ से कॉम करना शुरू करते हैं ठीक है तो आप सोचिए जब ये आपके नट्स जो होते हैं जो आपकी माइक्रो रिंग होती है इसको आपके हेयर के साथ में जो आपके नकली हेयर होते हैं जो आपके एक्सटेंशन होते हैं जो नकली बाल हैं आपके होते तो वो ह्यूमन हेयर हैं इंसान के ही बाल होते हैं बट उनको साफ किया जाता है जो लोग बाल अपना बेचते हैं मैंने दिल्ली में सुना है कि बालों को सेल किया जाता है दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बालों को सेल करते ये गलती कभी मत करिएगा क्योंकि आपने अगर अपने बालों को सेल करना शुरू कर दिया तो आपके बाल इस तरीके से झड़ना शुरू होंगे ना कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे अगर आप में से कोई भी ऐसा बंदा है तो मुझे डीएम जरूर करें कि आपने अपने बालों को सेल किया है और आपके बाल झड़ना शुरू हो गए ठीक है इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर करें दूसरी चीज ये कि जब आप अपने बालों में एक्सटेंशन कराते हैं ठीक है तो आपके लेयर जैसे मान लीजिए ये आपकी हेयर लाइन है यही से आपके बालों में अटैच किया जाता है आपके एक्सटेंशन को आपकी एक एक लटे ली जाती है आपकी एक एक हेयर के पार्टिकल्स लिए जाते हैं पचास साठ उसमें लेंथ होती है पचास साठ स्ट्रेंथ होती है बालों की क्वांटिटी होती है और उसके साथ में नकली बाल जो आपके इंसान के बाल होते हैं लड़कियों के बाल होते हैं जो लोग अपना सेल कर देते हैं ह्यूमन हेयर जो होते हैं उनके साथ में माइक्रो रिंग के साथ में इसको अटैच कर दिया जाता है ठीक है और उसको फिर पिन से दबा दिया जाता है इससे क्या होता है वो बाल आपके सेट हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये आपको लंबे बाल एट ए टाइम मिलना शुरू हो जाते हैं

बहुत सारे लोग प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ का प्रयोग करें देखो जो प्रोफेशनल हैं वो सब चीज़ें वो लोग नहीं करते वो लोग माइक्रो रिंग का यूज करते हैं बट ये चीजें सेफ नहीं है जब आप कॉम करते हो तो आपकी कोम फंसती है आप जब हेयर वॉश करते हो तो आपको दिक्कत होती है दूसरी चीज़ ये कि जब आप सोते हो तो सोने के टाइम में आपको दिक्कत होती है सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि जब आपके बालों की लेंथ बढ़ना शुरू होती है तो आपको उसकी सेटिंग्स लेनी पड़ती है जब आप सेटिंग्स लेते हो तब जाकर वो ठीक होती है हेयर वॉश आप खुद से नहीं कर सकते हैं बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाँ हम कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है बट जैसा मैं बताती हूं आप लोग को हेयर केयर रूटीन में क्या आप लोग उस तरीके से उस चीज को करवा कर कर सकते हो मेरी एक सब्सक्राइबर है मेंबर है वो उन्होंने हमारी थ्री मंथ की मेंबरशिप ली हुई है और उन्होंने हेयर एक्सटेंशन कराया हुआ है ठीक है उनका नाम मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ बट उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी कि मैम आप प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने हेयर एक्सटेंशन कराया है आपका क्या रिव्यू है क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि दीदी मैं आपसे मेंबरशिप ले रही हूं बट मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया है ऑलरेडी मैंने अपने बालों पर बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं मैंने उनको बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं आप करिए एक बार उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स परचेज किए हुए हैं और प्रोडक्ट्स परचेज करने के बाद उन्होंने हमारी चीजों को यूज करना शुरू किया है और उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं हेयर फॉल बहुत हो रहा था उनका जो कि अब नॉर्मल हो चुका है मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा हो चुका है बाकी आप लोग के साथ में उनका फीडबैक मैं जरूर शेयर करूंगी दूसरी चीज ये कि हेयर एक्सटेंशन बिल्कुल बिल्कुल मत करवाइए सेफ नहीं है बालों के लिए आप बालों के साथ गेम कर रहे हो आप नेचुरल चीज यूज कीजिए नेचुरल तरीके से नेचुरल चीज से अपने बालों को घना मोटा लंबा बनाइए मेरी हेयर लाइन खुद पीछे जा रही थी ये वाली ये वाली फाइनली मैंने अपने बालों को अच्छा किया है और वो भी अपनी होम रेमेडीज से आप अच्छी डाइट लीजिए आप अच्छा खाइए और अच्छा अपने बालों पे केयर कीजिए आपके बालों पे एक्सटेंशन की नीड है ही नहीं एक्सटेंशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं बालों की ग्रोथ नहीं होती है बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं आपके सर पे बाल ही नहीं रहेंगे तो एक्सटेंशन कैसे कराओगे जो माइक्रो रिंग से आपके बालों को अटैच किया जाता है वो आपकी जड़ों पर बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं जिससे आपकी जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं हेयर एक्सटेंशन उनके लिए है जो लोग मॉडलिंग करते हैं जो लोग एक्टर हैं जिनको बाल एकदम से लंबे चाहिए एकदम से छोटे चाहिए उन लोगों के लिए एक्सटेंशन है हम लोगों के लिए एक्सटेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग वन टाइम के लिए बीस हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं मैं खुद नहीं कर सकती हूँ मेरे बाल तो ऑलरेडी इतने अच्छे हैं क्यों हैं अच्छे मैं केयर करती हूँ और आप लोगों ने देखा है मेरी मेहनत है ना तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सटेंशन को बिल्कुल भी मत करवाएं आप लोग करवाएंगे तो इसकी जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी सॉल्व नहीं हो सकती है ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही था वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मैं मिलती हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय